नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। यहाँ पर थीटा को एंगल ए, थीटा की जगह पर आप ए प्लेस करेंगे इन टर्म ऑफ सेक ए, और उसे सेक ए के टर्म में आप लिखेंगे। ठीक, अब देखो इसको शुरुआत करते हैं तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। यहां शुरू करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, अब अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर ए छोड़ दूं, साइन स्क्वायर ए तो ये 1 और ये प्लस यहां आएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए क्या बनेगा, 1 अपान सेक स्क्वायर ए। सेक ए की बात कर रहे हैं यहां पर, आपने यहां पर इसको नोट डाउन किया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। आप यहां से स्क्वायर हटा दीजिए तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। यहां पर साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये रूट में ही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बट इसका हट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, कितना जाएगा सेक ए। ये हो गया साइन ए का रेशियो फाइंड हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में सेकेंड नंबर पर चलते हैं कॉस ए। तो कॉस ए लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक हो जाएगा, कॉस ए का सिंपल हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। चलते हैं टेन ए की तरफ, टेन ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए अपान कॉस ए, साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, साइन ए की वैल्यू यहां पर आई है तो यहां पर आप साइन ए के लिए लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, और यहां पर कॉस ए के लिए 1 अपान सेक है, 1 अपान सेक ए लिखेंगे, देन आप यहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए लिखेंगे। इसको ले जाते हैं ऊपर तो यहां पर हो जाएगा सेक ए, सेक ए अपान 1, सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया और यहां पर हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये आंसर किसका जाएगा, tan a के लिए हो जाएगा। tan a के बाद आपको आना है cot a पर, cot a क्या होता है, cos a अपान sin a, cos a अपान sin a। अगर आप cos a अपान sin a को करते हो तो यहां पर क्या लिखोगे, 1 अपान sec a अपान अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपान sec ए। ठीक, तो 1 अपान sec ए और ये sec ए ऊपर चला जाएगा, sec ए अपान अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 1 अपान sec स्क्वायर ए माइनस 1। इसको बिना सॉल्व किए अगर tan का आ गया था तो उसको हम अपोजिट कर देते हो, 1 अपान यहाँ पर tan है, तब ये फाइनल आपका आंसर इतना हो जाता है, ये आपको नहीं करना पड़ता। अब cot के बाद किसका है, cot के बाद आपके पास है cosec, cosec a, cosec a कितना होता है, 1 अपान sin a होता है। अब देखिए sin a की वैल्यू तो मेरे को पता है कि 1 अपान sin a क्या हो जाएगा, 1 अपान यहाँ पर sin a के लिए अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपान सेक ए करते, ये सेक के ऊपर पहुंच जाएगा सेक ए और अपान ये कितना जाएगा, यहां पर जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए
माइनस वन, ठीक है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल आपका यहाँ पर हो जाएगा। बचता क्या हमारे पास, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक, हमारे पास आएगा सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपान कॉस ए होता है, सिंपल सी बात, वन अपान कॉस ए। कॉस ए कितना आया है, ये आया है कॉस ए के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इज इक्वल टू वन अपान वन, और यहाँ पर कितना जाएगा सेक ए, तो सेक ए की वैल्यू किसकी जाएगी, सेक ए के इक्वल जाएगी। तो यहाँ पर आपने इस फॉर्म को इसी फॉर्म में रख के छोड़ देना है। ये सब आपके फाइनल आंसर्स हैं। और इस तरह से इस क्वेश्चन के जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ए के फॉर्म में, वह आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फार्मूला जरूर लर्न होना चाहिए, इसलिए आप फार्मूला पर बहुत मेहनत करें, फार्मूला लर्न करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आपके जो होते हैं वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक्स टू वॉच।